अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपकी डिवाइस में कॉल फॉरवर्डिंग का जो फीचर होता है इसको आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं। मींस यहाँ पे जो Realme की डिवाइसेज है, न्यू डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं उसमें ये फीचर जो है देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कई यूजर्स जो है इसको देख देख के मतलब परेशान हो रहे हैं कि हाँ भाई इस फीचर को कैसे हमको डिसेबल करना है। काफी सारी सेटिंग्स देख रहे हैं बट उनको वो फीचर मिल नहीं रहा है, एंड कैसे डिसेबल करना है इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कॉल फॉरवर्डिंग अगर यहाँ पे इनेबल होता है तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मतलब यहाँ पे जैसे कॉल वगैरह हमारे डिवाइस में आ नहीं पाती है, कॉल फॉरवर्डिंग में कई सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग वाले फीचर को जो है यहाँ पे जो है डिसेबल करना है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने डिवाइस में कॉल फॉरवर्डिंग वाले फीचर को जो है यहाँ पे डिसेबल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, कैसे आप अपने डिवाइस में यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग वाले फीचर को जो है डिसेबल कर सकते हैं काफी सिंपल मेथड से। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको डिसेबल करना है। तो सबसे पहले इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा कि इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलिंग वाले ऑप्शन पे जो टैप कर देना है, ठीक है। जैसे आप कॉलिंग वाले ऑप्शन में टैप करेंगे तो आप इस तरीके से कॉलिंग वाले ऑप्शन में चले आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 3 डॉट, इस पे सिंपली आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कॉल हिस्ट्री, सेटिंग्स वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जो टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट्स का एक ऑप्शन, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो कॉल के ऑप्शन में आ जाएंगे, सीधा आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जो टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखने भी लग जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग का ये जो फीचर है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल करने के लिए, डिसएंगेज करने के लिए आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन में। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग सेटिंग्स जो है ओपन हो रही है, तो आपको वेट कर लेना है। और यहाँ पे वेट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको कैसे डिसेबल करना है। तो यहाँ पे जैसे ये हो जाए तो देख सकते हैं अभी हमने डिसेबल किया। अगर इनकेस ये इनेबल होता है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ हाईलाइट जैसे फीचर मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे जो नंबर होता है, यहाँ पे अगर किसी भी नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है अगर बाय द वे, तो वहां पे आपको जो इनेबल का ऑप्शन है यहाँ पे कलरफुल जो है दिखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कोई भी फीचर अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज जो है कलरफुल दिखेंगे, तो आपको सिंपली इस पर टैप करके इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो कोई भी नंबर यहाँ पे लिखने के बाद ये इनेबल एंड डिसेबल होता है, तो सिंपली आप आगे यहीं से आप डायरेक्ट जो है डिसेबल कर सकते हैं। और जैसे आप डिसेबल कर लेंगे तो यहाँ पे वो डायरेक्ट जो है डिसेबल हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप जो है यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे जो है नंबर को इरेज करके उसको यहाँ पे हटा सकते हैं, मतलब यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक जो है रैंडमली कोई भी एक नंबर मतलब ले लिया, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको अभी हमको डिसेबल करना है, फिलहाल ये एक्टिव है, देख सकते हैं यहाँ पे कलरफुल हो गया जैसे कि मैंने आपको कहा था। अब आपको इसको डीएक्टिवेट करना है, तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये वैन बीजी पे जो है ये इस नंबर पे कॉल हमारी फॉरवर्ड हो रही है, मतलब हमारे कोई नंबर पे कॉल करेगा तो वो इस नंबर पे जो है यहाँ पे मतलब बिजी बताएगा आपको, या फिर आपका फॉरवर्ड होगा तो इस नंबर पे जो है फॉरवर्ड होगा। तो सिंपल आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन मिलता है सिंपल इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होने स्टार्ट होने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे डिसेबल हो गया, मतलब जो अभी कलरफुल आपको शो ऑफ हो रहा था वो अब यहाँ पे आपको कलरफुल शो नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये फीचर आपका जो है अब डिसेबल हो गया है। इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शन में जो यहाँ पे अनआंसर्ड है उसको भी आपको कर लेना है, या फिर अनरीचेबल है उस पर भी आपको टैप कर लेना है। एंड यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड है इस पे भी जो है आपको टैप कर लेना है, मतलब यहाँ पे आप सारे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है सभी चीज पे जो है इसको डिसेबल एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं, 1x1 करके सभी में जो है आपको डिसेबल कर लेना है। सो दोस्तों ये पूरा यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन है कॉल फॉरवर्डिंग को लेकर जो है प्रोवाइड करवाई हुई है इन्फॉर्मेशन, तो आप इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे कॉल जो है फॉरवर्डिंग को डिसेबल करना, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई हुई है। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर
करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।